जापान के ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के प्रमुख मुद्दे ईरान, 5G, द्विपक्षीय संबंध, रक्षा और व्यापार रहे। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ बैठक के मुद्दों के बारे में बात बताते हुए कहा कि इस मीटिंग में हम 4 मुद्दों पर बात करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और हमारे देश कभी इतने करीब नहीं रहे। ट्रंप ने कहा कि मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, हम रक्षा समेत कई क्षेत्रों में एक साथ काम करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी की शानदार जीत पर ट्रंप ने कहा कि मोदी ये जीत डिजर्व करते थे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुटता जरूरी और आतंकवाद जैसे मुद्दे के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिला यह जनादेश पूरे विश्व के साथ हमारे संबंधों को भी नई ऊर्जा देगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के जिस मंत्र पर हम चल रहे हैं वो भारत पर दुनिया के विश्वास को भी मजबूत करेगा। इसके साथ ही पीएम 10:40 पर वियतनाम के पीएम के साथ बैठक करेंगे। 11:04 पर जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल के साथ, दोपहर 1 बजे पुतिन शी जिनपिंग के साथ औपचारिक बैठक और दोपहर 3 बजे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन, रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने तकनीक क्षेत्र में भी विकास के लिए साथ काम करने पर सहमति जताई। मोदी सरकार एक देश एक राशन कार्ड लाने की तैयारी शुरू कर रही है। उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। पासवान ने कहा कि राशन कार्डों की देश भर में पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि सभी लाभार्थियों को, खासकर प्रवासी लोगों को, देश में कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का राशन मिल सके। मैनचेस्टर में खेले गए मैच में भारत ने वेस्टइंडीज पर बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने वेस्टइंडीज को 125 रनों से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 268 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने बेहतर और महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद 56 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 34 ओवर में 143 रन पर ही ढेर हो गई। भारत ने एक और जीत के साथ सेमीफाइनल में अपना दावा और मजबूत कर लिया है। अंक तालिका में भारत 11 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम के क्राकपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। क्राकपोरा में आतंकवादियों के होने की मिली थी सूचना। दोनों ओर से लगातार फायरिंग जारी। आज लोकसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पर होगी चर्चा। सांसदों की मौजूदगी के लिए जारी किया गया व्हिप। आज दिल्ली कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। चुनाव में मिली हार और आगे की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। बिहार में चमकी बुखार को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर। यूथ कांग्रेस ने चमकी बुखार को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के घर का घेराव किया। चमकी बुखार से अब तक बिहार में 150 बच्चों की मौत। आज बंगाल के भाटपारा जाएगा TMC का प्रतिनिधिमंडल। हिंसा प्रभावित इलाके का लेंगे जायजा। 2 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विभिन्न कॉलेजों में स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए पहली कट ऑफ जारी की। सबसे ज्यादा कट ऑफ DU के हिंदू कॉलेज ने पॉलिटिकल साइंस के लिए 99% जारी की। उन्नाव जेल एक बार फिर गलत वजहों से सुर्खियों में। उन्नाव जेल में कुछ कैदियों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कैदी जेल के अंदर तमंचा लहराते और योगी सरकार को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने कड़े लहजे में कहा कि देश विरोधी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी जरूरी कदम होगा घाटी को स्वर्ग बनाने के लिए लिया जाएगा।
इस दौरान अमित शाह ने घाटी में विकास कार्यों का भी जायजा लिया। आतंकी हमले में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों के अलावा हमले में शहीद हुए एसएचओ अरशद खान के परिवार से अमित शाह ने मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन और उसकी जमीन पर उद्योग आतंकी उद्योग के कारण भारत का अच्छा पड़ोसी नहीं बन पा रहा। लंदन के पास बकिंगम शहर में यूके इंडिया वीक के लीडर्स समिट को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया पर बुरा असर पड़ रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई भी देश है जो आतंकवाद को इंडस्ट्री की तरह बढ़ाता है। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया का साथ चाहता है ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके ताकि वो आतंक के खिलाफ ठोस कदम उठाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दक्षिण में पार्टी का अगला लक्ष्य तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनाना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किया। सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक्शन मोड में सीएम योगी अफसरों को सुबह 9 बजे पहुंचने के दिए निर्देश और समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने वालों की सैलरी कटेगी। बता दें कि सीएम योगी ने पहले भी समय पर ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए थे, उसके बावजूद अफसर जिलों में समय से नहीं पहुंच रहे थे। अब आदेश अनुसार समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने पर अफसरों का वेतन कटेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार ऐसे जातिवादी और धार्मिक अपराध अपने राज्यों में लगातार क्यों होने देती है जिससे पूरा राज्य और वहां की सरकार ही नहीं बल्कि देश की भी बदनामी होती है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने मायावती पर तंज कसा। अपर्णा यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने मायावती को सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी लेकिन वो सम्मान को पचा ही नहीं पाई। यूपी के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना के बुलंदशहर दौरे के दौरान नगर पालिका सफाई कर्मियों की टीम पर बड़ी कार्रवाई की गई। मंत्री बुलंदशहर नगर के वार्डों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे जहां सरकारी नलकूप पर फर्श ठीक न पाए जाने और नालियों में पानी भरा देखकर मंत्री ने गंदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सफाई निरीक्षक और सफाई नायक को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए। शिवराज सरकार के कार्यकाल में वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए रोपे गए पौधों की संख्या कम होने पर 2 डीएफओ सहित 8 अधिकारियों पर गाज गिरी। रिपोर्ट देखने के बाद मौके पर पहुंचे वन मंत्री संघार ने इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने रिपोर्ट मिलने के बाद मौके पर जाकर इसकी पड़ताल की तो गड़बड़ी सामने आई। बाद में सैटेलाइट इमेजरी से उन्होंने पौधारोपण की जांच कराई। वन मंत्री ने खुद मौके पर जाकर इसका जायजा लिया तो गड़बड़ी सामने आई। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के खुडवानी में रहस्यमय विस्फोट होने से 2 लोगों की मौत। आधिकारिक सूत्रों ने जीएनएस को बताया कि व्यक्ति कुछ कूड़े में आग लगने की कोशिश कर रहे थे जिससे विस्फोटक सामग्री पड़ी थी। अमेठी थाना क्षेत्र के छिबराहा मजरे गांव में कुछ दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान को गोली मार दी। कंधे और पैर में गोली लगने से अशोक प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अशोक प्रधान को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां हालत गंभीर होने के चलते लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। चमोली जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने औली में हुई शाही शादी के लिए गठित निगरानी दल की बैठक ली। बैठक में डीएम ने सभी दैनिक गतिविधियों की रिपोर्ट का अवलोकन कर समीक्षा की जिसके बाद डीएम ने निगरानी दल को 28 जून को औली में पुनःस्थलीय निरीक्षण के लिए कहा। बता दें कि औली में गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन ने निगरानी टीमें गठित की थी। पूरे शादी समारोह के दौरान निगरानी टीमों ने शादी की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुई थी जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी थी। भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी महाराज को हरिद्वार में भू समाधि दे दी गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
साध्वी निरंजन ज्योति, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई नेताओं ने उन्हें अंतिम प्रणाम किया। श्रद्धांजलि सभा के संपन्न होने के बाद स्वामी सत्यमित्रानंद की अंतिम यात्रा आश्रम परिसर में ही निकाली गई। बैंडबाजों के साथ निकाली गई अंतिम यात्रा के बाद उनके पार्थिव शरीर को समाधि स्थल में स्थापित किया गया। लखनऊ में एक बच्चे के साथ मारपीट और तेजाब पिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ड्रग माफियाओं ने बच्चे पर ड्रग तस्करी का दबाव बनाया। बच्चे के मना करने पर उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया। फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है। लखनऊ में पुलिस ने एक बिल्डर को गिरफ्तार किया। इस बिल्डर पर रंगदारी और जबरन वसूली का आरोप है। पुलिस ने आरोपी बिल्डर पर कार्रवाई शुरू कर दी। कानपुर देहात के अकबरपुर पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शख्स खुद को एनआईए का ऑफिसर बताकर लोगों से वसूली कर रहा था। पिछले काफी समय से पुलिस को इसकी सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके फर्जी अफसर को धर दबोचा, जिसके बाद से पुलिस ने एक कार और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए। हरदोई में सड़क सुरक्षा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने ट्रैफिक के नियम तोड़ने वाले लोगों के चालान काटे। हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर वसूली की शिकायतों पर एडीएम संजय सिंह ने डूडा कार्यालय में छापेमारी की। एडीएम ने आवास योजना में दलाली करने वाले दो बिचौलियों को धर दबोचा। बिहार में वैशाली के भगवानपुर में कुछ मंचलों ने एक युवती के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर युवती और उसकी मां के साथ तालिबानी व्यवहार किया गया। आरोपी लड़कों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर दोनों का सिर मुंडवा दिया, साथ ही दोनों की बेरहमी से पिटाई की। आरोपियों ने दोनों के सरेआम गांव में भी घुमाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त, वार्ड सदस्य खुर्शीद समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर के जालपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने बाइक पर सवार दंपति से बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट की और दोनों को जमकर पीटा। मामले की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मेरठ में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिकारियों के चालान काटे। अधिकारी सीओ, एलआईयू, इंस्पेक्टर, एआरटीओ, ट्रैफिक पुलिस तक के चालान काटे। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाश कई मुकदमों में वांछित चल रहा था। लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र में तीन बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने तमंचे के बल पर 10,000 कैश और कैश कूपन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। सहारनपुर पुलिस ने पन्नालाल ज्वेलर्स के यहां हुई चोरी का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और बाइक बरामद की। बदायूं पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने चोरी की गई गाड़ी बरामद की है, साथ ही एक वाहन चोर को भी हिरासत में लिया। गाजियाबाद पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इन वाहन चोरों ने 5 बाइक बरामद की है। इन चोरों ने पुलिस के वाहन पर भी हाथ साफ कर लिया था। इन चोरों के नाम अरविंद और नीटू हैं। पुलिस को इनके तीसरे साथी की तलाश है। बरेली के बहेड़ी थाने के एक सिपाही का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। मामला सामने आने के बाद सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सिपाही ने किसी मामले को निपटाने के लिए थाने की बैरक में ही रिश्वत ली। वीडियो वायरल होने पर स्थानीय विधायक ने पुलिस अफसरों से मामले की शिकायत की, जिसके बाद मामले में आरोपी सिपाही को बर्खास्त किया गया। लखनऊ महानगर के गोल मार्केट में सीओ महानगर संतोष कुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ इलाके का दौरा किया। ये पैदल मार्च भीड़ और जाम को नियंत्रित करने के लिए निकाला गया था। फतेहपुर में किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ये किसान आवारा गायों से परेशान हैं। आवारा पशुओं से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, इसके चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ।
मुरादाबाद में एक बेकाबू वाहन ने 2.5 साल के मासूम की जान ले ली। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने वाहन चालक को जमकर पीटा और गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। महोबा में 90 बीघा जमीन की फसल बर्बाद और साहूकारों के कर्ज से परेशान 30 वर्षीय किसान ने घर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान की आत्महत्या से परेशान परिजनों ने कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू है। यूपी में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों और दुर्घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने एक नई मुहिम शुरुआत की है, जिसके तहत एंटी रोमियो स्क्वाड में नई तैनाती कर बढ़ोतरी की। रामपुर के मुख्य चौराहों पर सादी वर्दी में महिला एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम ने चौराहों पर महिलाओं और युवाओं को रोककर एंटी रोमियो स्क्वाड के संबंध में जानकारी दी। उसके समय पड़ने पर मदद के लिए जारी किए गए नंबर की जानकारी। हरदोई के शहादत नगर में पुलिस ने दहेज की शिकायत करने एक महिला, उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने जमकर पीटा। मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरदोई में पुलिस प्रशासन पर 1 जुलाई से महिला सुरक्षा के अभियान चलाएगा, जिसके लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा, जिसके तहत कॉलेज कोचिंग जैसी जगहों पर PCR तैनात होगी। चंदौली के अलीनगर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से 5 बाइक बरामद की है। ये गिरोह अब तक सैकड़ों वारदात अंजाम दे चुका है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर एक तेज रफ्तार ट्रक मंदिर में जा घुसा, जिसकी सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए। ट्रक ड्राइवर को बंधक बना लिया। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो ट्रक खनन पर चलाता है, स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से मंदिर में जा घुसा। अमेठी में 2 हादसों ने 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई, जबकि दूसरी घटना शकुल बाजार थाने के चौराहे की है, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक बाइक में जा घुसा। शाहजहांपुर के मदनापुर थाना क्षेत्र के डुकरी गांव में आपसी रंजिश के चलते 2 सगे भाइयों की लाठी डंडों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। किसान परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में ट्रिब्यून चौक के पास एक लड़की का एक व्यक्ति पर हमला करते वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल दोनों की गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद लड़की ने तैश में आकर व्यक्ति पर हमला कर दिया। राजस्थान के जोधपुर में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड करने का जुनून आजकल युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं और साधु बुरी तरह से घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा है। झारखंड में लिंचिंग का शिकार हुए तबरेज के परिवार की मदद के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड आगे आया है। तबरेज की पत्नी को बोर्ड की ओर से 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने इसका ऐलान किया। झारखंड में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में जल्द इंसाफ की मांग की। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी और एजेंसियों ने बड़ा शिकंजा कसा है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मोदी से जुड़े 4 बैंक खातों को स्विट्जरलैंड में सीज किया। स्विट्जरलैंड में मौजूद नीरव मोदी के करीब 60 लाख अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को सीज किया गया। बता दें कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के करीब 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। 1 जुलाई से शुरू हो रहे अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरों से यात्रियों को ठहरने वाले कैंपों की निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त। एयर इंडिया की फ्लाइट की लंदन में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। खुफिया एजेंसी ने अलर्ट के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को लंदन में उतारा।
विमान ने मुंबई से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी थी। यूके के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटिश फाइटर जेट्स की सुरक्षा में एयर इंडिया के प्लेन को स्टैंडर्ड एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया। हरियाणा में वायुसेना के जगुआर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराएगी। बताया जा रहा है कि ये विमान अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन से उड़ा था और एक पक्षी के टकरा जाने के बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान विमान का मलबा रिहायशी इलाके में गिरा।